हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल एजुकेशन फाइल पे। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गोपबंधु दास जी के बारे में, मतलब गोपबंधु दास जी के बारे में पढ़ने वाले हैं या उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। गोपबंधु दास बेसिकली एक पोएट थे, या आप कह सकते हो एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया, गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया, बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए काम किया, या आप कह सकते हो वीमेन के एजुकेशन के लिए, विडो री मैरिज के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है। या इन्होंने अपना पूरा जीवन ही लोगों की भलाई में लगा दिया और अपनी फैमिली तक को इवन उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी एज कम्पेयर टू अदर पीपल या वी कैन से सोसाइटी। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके हो सकता है बीएड में हो, एमएड में हो या अदर टीचिंग एग्जाम्स में हो, तो आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, इनके कुछ फैक्ट्स याद करते जाना। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप प्ले स्टोर से जाके ये पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एजुकेशन फाइल ऐप, इस पर बाकी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो अगर हम गोपबंधु दास जी के बारे में बात करें, तो ये एक पोएट की तरह, एक एजुकेशनिस्ट की तरह, एक जर्नलिस्ट की तरह, एक सोशल एक्टिविस्ट या रिफॉर्मर की तरह इनको जाना जाता है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1877 को, या अक्टूबर 9, 1877 को स्वांदो विलेज में, जो कि है साक्षी गोपाल के पास, और ये है पुरी डिस्ट्रिक्ट में। इनका देहांत हुआ था 17 जून 1928 को, जब ये लाहौर में थे और उस टाइम भी ये काम ही कर रहे थे सोसाइटी के लिए ही, ठीक है। और उस टाइम ये बीमार पड़ गए थे और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिताजी का नाम था, या फादर का नाम था, दैत्री दास, और इनकी मदर का नाम था स्वर्णमयी देवी। और इनके बर्थ के बाद इनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो इनको पैटर्नल आंट ने पाला था, ठीक है। और इनको द ज्वेल ऑफ उत्कल के नाम से जाना जाता है। उत्कल बेसिकली उड़ीसा को ही कहते हैं, तो उड़ीसा के ज्वेल की तरह जाना जाता है इनको, और इनको कहते हैं उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें कि उड़ीसा को 1936 में ये दर्जा हासिल है कि ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था प्री इंडिपेंडेंस से पहले, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और ये प्री इंडिपेंडेंस में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था जिसको भाषा के आधार पे अलग माना, मतलब एक पहचान मिली थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसको अलग अलग रिलेट करना आप लोग। चलो देन इनकी अगर हम स्टार्टिंग की स्कूलिंग देखें, तो इन्होंने स्टार्टिंग जो स्कूलिंग थी वो इनके गाँव से ही हासिल करी थी, रूपादेयपुर माइनर स्कूल। देन इन्होंने पूरी जिला स्कूल से हासिल करी, और वहाँ पे जो लैंग्वेज थी उनकी मदर टंग थी, या आप कह सकते हो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी। देन उन्होंने बीए की पढ़ाई करी रेवेंसा कॉलेज से, जो कि है कटक में। और जब ये बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तो बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए ये बीए में फेल भी हो गए थे, और इन्होंने बीए सेकेंड अटैम्प्ट में पास करी थी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो उड़ीसा है ईस्ट कोस्ट पे आता है, और वहाँ पे साइक्लोन बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे। देन इन्होंने एमए की पढ़ाई भी करी और एलएलबी करी, तो ये लॉयर भी थे। चलो देन जर्नलिज्म का अगर हम इनका काम देखें, तो इन्होंने मंथली मैगजीन स्टार्ट करी थी जिसका नाम था सत्यवादी 1914 में, और वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1919 में जिसका नाम था द समाज, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम, ठीक है। चलो देन इनकी कुछ फेमस पोइम्स जो कि इन्होंने कॉलेज के टाइम पे ही लिखी थी, रेवेंसा कॉलेज में लिखी थी जब ये बीए कर रहे थे, और जो इनका स्टाइल था ना वो बहुत ही ज़्यादा सेटायर भरा था। सेटायर होता है व्यंग करना। उस टाइम क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, गवर्नेंस ब्रिटिश थी, अंग्रेज थे, तो उन पे व्यंग करते थे जो कि लोगों को पसंद नहीं आती थी, जो उनको फॉलो करते थे और ब्रिटिशर जो थे, लेकिन वो फिर भी लिखते गए। तो हो सकता है मुझे इनके उच्चारण में या प्रोनंसिएशन में ढंग से ना कर पाऊँ, तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ये उड़िया लैंग्वेज में लिखी थी और यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, ठीक है। तो
इनकी कुछ फेमस पोएम देख लो, अब का सचिंता, गो महात्मा, नचिकेता उपख्यान, कर कविता, धर्म पदा, देन बंदिरा और सॉरी बंदिरा आत्मकथा। तो ये लिखी थी इन्होंने जब ये रेवेंसा कॉलेज में थे कटक में बीए के टाइम पे। देन सोशल वर्क की बात करें तो ये मानते थे कि शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, अगर हम सोसाइटी में कोई भी चेंज लाना चाहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो लोगों को और सभी लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए इन्होंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया जिसका नाम था सत्यवादी सिस्टम ऑफ एजुकेशन या वन विद्यालय। वन विद्यालय इसका नाम क्यों था, क्योंकि ये जंगलों में था, ओपन स्कूलिंग थी, मतलब ओपन स्कूल थे, खुले में पढ़ाई होती थी, लेकिन इनके काम में कहीं से भी ऐसे नहीं थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि ये पिछड़े थे स्कूल, इसमें सुपरवाइजर थे, मॉनिटर थे और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, सभी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करवाई जाती थी, करिकुलम बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट थे, वो अपनी जॉब छोड़ छोड़ के आए थे ताकि एक अच्छा सिस्टम बनाया जा सके, स्कूलिंग अच्छी की जा सके और जो भी बच्चे वहाँ से पढ़ते हों उनकी आने वाली लाइफ अच्छी हो और वो जब सोसाइटी में जाएं तो ओवरऑल सोसाइटी ग्रो करे, ठीक है। और ये कहाँ पे था, साक्षी गोपाल विलेज में था। इसकी स्थापना हुई थी 12 अगस्त 1909 को या 1909 को। देन उत्कल समिलानी बनी 1936 में, 1936 तक इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके बनने में इनका बहुत बड़ा रोल है या इन्हीं के एफर्ट्स के कारण ये बन पाया था, ठीक है, जिसके कारण उत्कल को या उड़ीसा को नई पहचान मिली, राइट। देन इनको कहते हैं दरिद्र सखा, दरिद्र का मतलब होता है गरीब, सखा का मतलब होता है मित्र, तो इनको माना जाता है फ्रेंड ऑफ पुअर्स, राइट। तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं, इनको लिखते जाना, एग्जाम में लिखोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देन इन्होंने फ्लड रिलीफ के लिए बहुत काम किया, अपलिफ्टमेंट हो सके पीपल्स की, लर्नर्स की या लोगों की, वीमेन एजुकेशन के लिए काम किया, विडो के रीमैरिज के लिए काम किया, सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए काम किया और एक सोसाइटी बन सके जो कि एक दूसरे की हेल्प करे, और स्कूल सिस्टम को चेंज करने के लिए काम किया। तो अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो। देन इनके एजुकेशनल थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके जो एजुकेशनल थॉट्स थे या जो एम्स थे, लक्ष्य थे, वो आते हैं एंशिएंट इंडियन एजुकेशन की तरफ से, मतलब जैसे एंशिएंट इंडिया में शिक्षा होती थी जो कि वेदों पर आधारित थी, शास्त्र पर आधारित थी, उसमें नॉन वायलेंस था अनटिल अनलेस उसकी ज़रूरत ना पड़े, है ना, वायलेंस की, सेल्फलेस सर्विस थी, फियरलेसनेस थी, मतलब अगर आपको कोई चीज़ आती है तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और फियरलेसनेस कब आएगी, जब हमें नॉलेज होगी, ठीक है, और नॉलेज होगी तो हमें क्या होगी, विजडम होगी, है ना, बुद्धिमत्ता आएगी हमें, और जब बुद्धिमत्ता होगी तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पैट्रियोटिज्म था, देशभक्ति थी, ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावादी शिक्षा थी, है ना, बिलीफ इन रिलीजन था जो कि अच्छी चीज़ें थी, सभी रिलीजन में वही फॉलो की जाए, सेल्फ कंट्रोल था अपने आप में सभी चीज़ों को लेके, चाहे वो ब्रह्मचार्य की बात हो, चाहे वो ग्रीडीनेस की बात हो, तो सभी चीज़ों में अपने आप को सेटिस्फाई करना या सेल्फ कंट्रोल्ड होना, ये सब एंशिएंट इंडियन एजुकेशन की खासियत थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, और गोपबंधु दास जी भी इसी तरह का एजुकेशन चाहते थे। और क्या था, वैल्यू एजुकेशन था, कैरेक्टरफुल था, ठीक है, जिससे एक चरित्र का विकास होता था, ऐसी शिक्षा थी और ये भी वैसी ही शिक्षा चाहते थे, इनके स्कूल में वही चीज़ें ज़्यादा फॉलो करवाई जाती थी। और ये जो इनका थॉट है एंशिएंट वाला, ये इनके कोट से भी नज़र आता है, ये कहते हैं कि बाय एजुकेशन आई डू नॉट मीन द टीचिंग इन स्कूल, कि शिक्षा से मैं ये नहीं समझता कि केवल स्कूल में ही टीचिंग करवाई जाए, ये कहते थे कि एजुकेशन इज व्हाट वॉज इम्पार्टेड इन द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, कि शिक्षा क्या थी जो कि पहले प्रोवाइड की जाती थी एंशिएंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस में, एंड सेंटर्स ऑफ द रिलीजन थ्रू आउट द प्रोविंस, जो कि क्षेत्र में एक रिलीजन का सेंटर था पूरे क्षेत्र में, ठीक है। तो इस कोर्ट से इनके इस वाले थॉट को मजबूती मिलती है। चलो देन इनके पढ़ते हैं एजुकेशनल एम्स या शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए गोपबंधु दास जी के द्वारा।
तो इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा मतलब हर एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मासेस तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। देन ये चाहते थे शिक्षा एफोर्डेबल हो। एफोर्डेबल का मतलब है मासेस तक कब पहुंचेगी, जब वो एफोर्डेबल होगी, सभी इंसान शिक्षा को हासिल करने में सक्षम होंगे, राइट, दे कैन अफोर्ड एजुकेशन। सो इफ यू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल देन इट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल एजुकेशन और इट इज गोइंग टू बी रीच टू द मासेस। देन ये चाहते थे कि एजुकेशन ऐसा हो कि उनमें मॉरल वैल्यूज आए, जो इंडिविजुअल हैं, जो लर्नर्स हैं, वो ज़्यादा कैरेक्टरफुल बने, उनमें चरित्र अच्छा हो, उनका कैरेक्टर अच्छा हो, वो एक आइडियल इंसान बने जैसा कि एक इंडिविजुअल को होना चाहिए। देन ये चाहते थे कि नेशनल इंटीग्रिटी आई शिक्षा से सोशल सर्विस को एनहेंस करा जाए, मतलब लोग एक दूसरे की मदद करें। देन ये चाहते थे कि शिक्षा प्रैक्टिकल हो, रियल लाइफ से बेस हो, क्राफ्ट बेस एजुकेशन हो, या इन टोटल आप कह सकते हो वोकेशनल एजुकेशन हो, ठीक है। देन इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए बात करी कि विमेन एजुकेशन भी होना चाहिए, महिलाओं का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन ये चाहते थे कि जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग होनी चाहिए, ठीक है। चलो देन ये चाहते थे कि शिक्षा में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या आप कह सकते हो इनक्लूसिव शिक्षा की बात करते थे ये उस टाइम। चलो और ये कहते थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हो, मतलब दिमाग से तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट हो लेकिन उनका जो जीवन शैली है, उनकी लिविंग हो, वो सिंपल हो। देन ये चाहते थे कि शिक्षा रूरल मास तक भी पहुँचे, मतलब गांव के लोगों तक भी पहुँचे, और इसके लिए इन्होंने प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था जिसमें ये 18 से 30 साल के लोगों को पढ़ाते थे, उनको एजुकेट करते थे, ठीक है। चलो देन पढ़ते हैं करिकुलम के बारे में। तो इनका जो करिकुलम है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, जो कि आर्य समाज से रिलेट करते हैं। तो ये क्या चाहते थे कि करिकुलम होलिस्टिक हो और एक होलिस्टिक इंडिविजुअल को हम बनाएं या डेवलप करें, उनका विकास इस तरह से करें कि उसमें शारीरिक मानसिक मतलब फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग हो किसी भी इंडिविजुअल का। देन ये चाहते थे कि जो स्टार्टिंग के ईयर्स हैं बच्चे के, उसमें जनरल एजुकेशन प्रोवाइड हो, मतलब जो 5 साल के जो पढ़ाई है उसमें जनरल एजुकेशन हो और उसमें शास्त्र एंड वेदों की नॉलेज दी जाए। शास्त्र और वेदों की नॉलेज इस तरह से दी जाए कि वो हमें मतलब स्टार्टिंग से हमें पता है, क्या पता है कि रिलीजियस एजुकेशन क्या है, ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। लेकिन ये चाहते थे कि जो उसमें साइंटिफिक नॉलेज है ना, और साइंटिफिकली उसको प्रोवाइड करना चाहते थे, तो जनरल एजुकेशन में ये चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते थे वो। चलो देन ये चाहते थे उसके बाद बच्चे उड़िया पढ़ें, हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, साइंस पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, लॉ जैसे सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग, सो दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना ज़रूरी था। देन ये चाहते थे कि जो लास्ट के 3 साल है ना, उसमें बच्चे स्पेशलाइजेशन करें जिसमें उनका मन है, और इस स्पेशलाइजेशन के लिए सभी को अलाउ नहीं था, जो इस लायक था, जो एग्ज़ाम को पास कर सकता था वही ये करे, जैसे कि संस्कृत में, मेडिसिन में, लॉ में, है ना, या जमींदारी में, आर्किटेक्चर में, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें वो जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते थे। और लास्ट के 3 साल की पढ़ाई इसी तरह से होनी थी उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग। चलो देन ये चाहते थे को करिकुलर एक्टिविटीज भी हों, डिबेट्स हों, डिस्कशन हो, कवि सम्मेलन हो, पोएट गैदरिंग हो, गेम्स हो, और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हो वो सब भी हों। तो बेसिकली क्या चाहते थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते थे इंडिविजुअल्स का थ्रू एजुकेशन, ठीक है, थ्रू करिकुलम। और इवेल्युएशन ये चाहते थे कॉन्टिन्यूस बेस पे हो, मतलब बाई एनुअल एग्जामिनेशन हो, लेकिन बच्चे का जो इवेल्युएशन हो वो कॉन्टिन्यूस बेस पे पूरे साल होता रहे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटीट्यूड, देयर बिहेवियर, और क्लास में वो कैसा परफॉर्म करें, सभी चीज़ों को लेके उनको कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट करना ज़रूरी था, मतलब असेसमेंट और इवेल्युएशन हमेशा चलता रहना चाहिए। देन टीचिंग मेथड कैसे होनी चाहिए गोपाल गोपबंधु दास जी के द्वारा,
तो ये चाहते थे कि टीचिंग मेथड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस हो, बच्चों को ज्ञान का निर्माण खुद करने दिया जाए, टीचर्स को प्रोफेशनल फ्रीडम हो, अगर वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इनको अलाउ किया जाए। ये जोर देते थे कि डिस्कशन मेथड हो, ठीक है, और लेक्चर मेथड कम हो। तो उसके लिए इनके स्कूल में क्या था कि जो 15 मिनट है ना, स्टार्टिंग के 15 मिनट में डिस्कस होना कि प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, और लास्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएं, ठीक है, और फिर से उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन हो। और डिस्कशन होता है तो सच में टॉपिक बहुत ज़्यादा उसके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाते हैं, सभी अपने इनपुट्स दे सकते हैं सभी बच्चे। देन टीचर कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए ये कहते थे कि टीचर का एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न केवल एकेडमिक में एफिशिएंट हो बल्कि वो डेडिकेटेड हो, उसमें ऑनेस्टी हो, करेक्टर अच्छा हो उसका, तो इस तरह का टीचर होना जरूरी है। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह हो, स्टूडेंट को गाइड करता हो सभी एस्पेक्ट में। इनका जो हॉस्टल था ना, स्कूल का जो हॉस्टल था, उसमें जो वीकर बच्चे थे, मतलब पढ़ाई में वीक थे या किसी अदर एक्टिविटीज में भी वीक थे, तो टीचर वहाँ पे जाके उस हॉस्टल में जाके उन वीकर स्टूडेंट्स की मदद करते थे, ठीक है। तो इनका स्कूल बेसिकली एज ए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, ये इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और इन्होंने कहा कि टीचर का एक आइडियल टीचर होना जरूरी है, टीचर को नॉन पार्शियल या किसी भी तरह की बायसनेस ना करता हो, ऐसा टीचर होना जरूरी है, और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट ना करता हो क्लासरूम के अंदर या ओवरऑल स्कूल में। तो टीचर की ये कैरेक्टरिस्टिक थी गोप बंधु दास जी के द्वारा। देन डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के फेवर में थे। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे फिलोसफर जो हैं वो फ्री डिसिप्लिन या की बात करते हैं, मतलब बच्चों को उतना स्ट्रिक्ट या हार्श डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात करते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की। तो इसके लिए ये चाहते थे कि सभी स्टूडेंट बहुत पंक्चुअल हों, सभी तरह की एक्टिविटीज में टाइम पे पहुँचते हों, और इनका जो हॉस्टल था ना उसमें पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए, क्राफ्ट के लिए, एकेडमिक के लिए, उनकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग मॉनिटर्स थे और अलग अलग सुपरवाइजर्स थे, ठीक है, जो कि सभी चीज़ों का ध्यान रखते थे कि सभी चीज़ बहुत अच्छे से करी जा सके, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया, तो ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के फेवर में थे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो हुआ ख़त्म। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और ये कुछ रेफरेंस है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।